डीसी के न्यूएस्ट सुपर हीरो या फिर कहे एंटी हीरो ब्लैक एडम को हम जल्दी ही थिएटर्स में देखने वाले हैं। और डिटेक्टिव कॉमिक्स के इस आइकॉनिक ब्लैक और येलो सूट वाले ब्लैक एडम कैरेक्टर को रॉक से बेटर शायद ही कोई और कैरी कर सकता था। और साथ ही ट्रेलर में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स जो कॉमिक्स की जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के हैं, जिनमें रेड टॉर्नेडो, एटम स्मैशर, हॉकमैन और डॉक्टर फेट है। और ट्रेलर की वाइब्स यही दिखा रही है कि ब्लैक एडम का सामना जेएसए की इसी टीम के साथ होने वाला है। लेकिन मूवी का विलन अभी भी हिडन है या फिर नहीं? हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ब्लैक एडम का ट्रेलर ब्रेकडाउन और साथ ही बताने की कोशिश करूंगा सभी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। ब्लैक एडम, व्हाट हैव योर पावर्स एवर गिवन टू यू? तो ट्रेलर शुरू होता है स्नोई माउंटेन्स के ऊपर, जहाँ एक एडवांस स्पेसशिप आती है और हमें ये हिंट मिलती है कि इन्हीं पहाड़ों के नीचे दबी हुई है टेथ एडम की बॉडी, वही इंसान जो आगे चल के ब्लैक एडम बनेगा। कॉमिक्स में टेथ एडम एक स्लेव था एंशिएंट इजिप्ट में, जिसने कई साल गुलामी में गुजारे, जिसके बाद विजर्ड शज़ाम ने उसे पावर्स दी जिससे वो एक सुपर हीरो बन गया। लेकिन जब उसके होमलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसकी फैमिली को भी मार दिया गया, तो रोश में उसने उन सभी को मारना शुरू कर दिया जो उसकी फैमिली की डेथ के रिस्पॉन्सिबल थे। अब विजर्ड शज़ाम ने ब्लैक एडम की पावर्स फिर से छीनने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने ब्लैक एडम को बैनिश कर दिया था। यहाँ ट्रेलर में हमें टेथ एडम की बैक स्टोरी उसी सिमिलर दिखाई जाती है, लेकिन मूवी की एक्चुअल स्टोरी शुरू होती है 5000 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट डे में, जहां पर टेथ एडम की बॉडी को कोई ढूंढ के निकालता है। अब ये लोग हो सकते हैं गवर्नमेंट एजेंट्स या फिर विलन की गैंग के, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। अब ब्लैक एडम की बॉडी को एक हीलिंग टैंक में रखा जाता है और वॉइस ओवर में हमें सुनाई देती है जेएसए की टीम के एक कैरेक्टर डॉक्टर फेट की आवाज, जो ब्लैक एडम से पूछता है कि उसकी पावर्स ने उसे आज तक क्या दिया है। कॉमिक्स में लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नाबू का बनाया हुआ हेलमेट ऑफ फेट उसे पहनने वाले किसी भी इंसान को पावर्स देता है मिस्टिक एनर्जी की। केंट नेल्सन के डॉक्टर फेट कैरेक्टर ने 1940 की मोर फन कॉमिक्स इशू 55 से डेब्यू किया था। ये हेलमेट ऑफ फेट पहनने की वजह से केंट मिस्टिक एनर्जी की अनलिमिटेड पावर्स यूज कर सकता है, जिससे वो रियलिटी शिफ्ट कर सकता है। ये पावर्स सिमिलर है मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स से, जहां वो मिरर डायमेंशन क्रिएट कर सकता है। और ट्रेलर में हमें इसकी एक हिंट आगे के कुछ सीन में मिलती भी है। अब ट्रेलर हमें लेके जाता है टेथ एडम की ओरिजिन स्टोरी में, जहां वो हमें दिखता है स्लेव के रूप में इजिप्ट में। यहीं पर हमें दिखता है टेथ का बेटा भी, जिसके वॉइस ओवर में हमें पता चलता है कि अपने फादर की जान बचाने के लिए उसके बेटे ने सैक्रिफाइस किया। और मोस्ट प्रॉब्ली मूवी में यही वो रीजन होगा जिसके बाद बदला लेने के लिए टेथ एडम लोगों को मारने लगता है, और उसे रोकने के लिए विजर्ड शज़ाम उसे बैनिश कर देता है। अब ट्रेलर के आगे के कुछ सीन्स में हमें देखने मिलती है ब्लैक एडम की पावर्स, और शायद इस पॉइंट पे अब मुझे मेंशन करना चाहिए कि शज़ाम की पावर्स आखिर है क्या। शज़ाम एक्चुअल में एनाग्राम है कुछ ग्रीक गॉड्स के नाम का, यानी कि जिसे भी शज़ाम की पावर्स मिलती है उसे मिलता है सोलोमन का विजडम, हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ, एटलस का स्टेमिना, ज़ूस की पावर्स, अकिलिस का करेज और मर्करी की स्पीड, यानी कि इन 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स ब्लैक एडम के पास भी है। अब ट्रेलर के नेक्स्ट सीन्स में हमें दिखता है डिटेक्टिव कॉमिक्स का एक और फेमस कैरेक्टर हॉकमैन। कॉमिक्स में एक इजिप्शियन प्रिंस खूफू को धोखे से मारा जाता है, जिसके बाद वो रीइनकार्नेट होके आता है कार्टर हॉल के रूप में। कार्टर हॉल एक आर्कियोलॉजिस्ट बनता है जिसे थैनगर प्लैनेट से मिलता है एंथ मेटल। इस एंथ मेटल की प्रॉपर्टी है कि ये ग्रेविटी को डिफाई करता है, और इसी मेटल से कार्टर हॉल क्रिएट करता है अपने विंग्स और कॉस्ट्यूम, जिसका एक लुक हमें ट्रेलर में देखने पे मिलता है। और हॉकमैन ही जेएसए टीम का लीडर भी है। जेएसए के थर्ड मेंबर के रूप में हमें दिखता है एटम स्मैशर, जो अपने नाम की तरह एक फाइट के बीच अपना साइज चेंज करते हुए दिखता है, जहां वो चलती हुई गाड़ियों को ऐसे उड़ाता है जैसे कि वो खिलौने हैं। कॉमिक्स में अल्बर्ट रॉथस्टन एक सुपर विलन साइक्लोट्रॉन का ग्रैंडसन था, जिसे उसे उसकी मेटा ह्यूमन पावर्स मिली थी, यानी कि वो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अल्बर्ट आगे चल के जस्टिस लीग और फिर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की टीम का पार्ट बन गया। और इसी जेएसए की टीम की चौथी और आखिरी मेंबर के रूप में हमें देखने मिलती है मैक्सिन हंकल, एके साइक्लोन। कॉमिक्स में मैक्सिन हंकल भी एक और कैरेक्टर रेड टोर्नेडो की ग्रैंड डॉटर थी। साइक्लोन की पावर्स रिलेटेड है विंड मैनिपुलेशन से, यानी कि वो मेंटली समन करके साइक्लोन्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही साइक्लोन साउंड वेव्स को भी कंट्रोल कर सकती है, तो हो सकता है कि मूवी में हमें उसकी ये पावर्स भी दिखाई जाए।
अब ट्रेलर के एक सीन में ब्लैक एडम रे मिस्टीरियो के साथ फेस ऑफ करता है, हॉकमैन के साथ फेस ऑफ करता है। यहीं पर हॉकमैन इसे समझाता है कि सुपर हीरोज अपने एनिमीज को किल नहीं करते, लेकिन ब्लैक एडम उसकी इस बात पे अग्री नहीं करता। और मोस्ट प्रॉब्ली यही रीजन है कि ब्लैक एडम जेएसी की टीम के साथ फाइट करते हुए दिखेगा। लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ड्वेन जॉनसन, तो इस कैरेक्टर को एंटी हीरो से हीरो की तरफ जरूर मूव किया जाएगा। यानी कि शायद स्टोरी में ऐसा कुछ ट्विस्ट दिखाया जाए जिससे कि ये कैरेक्टर ब्लैक एडम अपनी गलती रियलाइज करके जेएसए की टीम का साथ दे मेन विलन से फाइट करने में। अब एक चीज जो ट्रेलर में बहुत मिस्टीरियस रखी गई है वो है मूवी के विलन के बारे में। हॉकमैन के एक डायलॉग में जब वो हीरोज और विलन्स को कंपेयर करता है, तब विलन्स वाले सीन पे हमें कुछ कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जो एक होवर बाइक पे जा रहे हैं। और ऐसे ही एक कैरेक्टर को ब्लैक एडम अगले कुछ सीन में डिस्ट्रॉय भी करता है, जो हिंट देता है कि यही शायद इस मूवी के मेन विलन्स हैं। ये हो सकते हैं कॉमिक्स में दिखी इंटर गैंग के मेंबर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप था जिसे क्रिएट किया था जैक किर्बी ने, जिन्हें उनकी पावर और टेक्नोलॉजी दी थी प्लेनेट अपोकोलिप्स के विलेनियस न्यू गॉड्स ने। और शायद इस इंटर गैंग के लीडर के रूप में हमें देख सकता है इस्माइल ग्रेगर, एक रशियन मॉब जिसके पास शैतानी पावर्स है 6 डीमंस सबैक की। अब जैसे शज़ाम से 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स मिलती है, वैसे ही सबैक से मिलती है 6 डिमोनिक पावर्स, जो कि है सैटन, आयम, बेलियाल, बिल्जिबब, एस्मोडियस और क्रेटियस की। कॉमिक्स में सबैक के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और आग उगलने की पावर्स हैं। और इस विलन को डिस्क्लोज किया है एज यूजुअल फंको पॉप टॉयज ने, जिसमें ऑलरेडी सबैक का एक पॉप फिगरिन दिख चुका है। और ट्रेलर में हमें ब्लैक एडम की पावर्स जिसमें फ्लाइट और सुपर स्ट्रेंथ भी दिखती है जब वो आर्मी के प्लेन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसे कैरेक्टर से फाइट करने के लिए सबैक जैसा विलन होना भी जरूरी है। ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें दिखती है डेजर्ट के बीच में एक वैन, जिसमें बैठे लोग ब्लैक एडम को देख के अपनी विंडोज क्लोज करने लगते हैं। लेकिन ब्लैक एडम एक रॉकेट को अपने हाथ से रोक के उन्हें बचाता है। इसी वैन के ऊपर लिखा दिखता है शिरुता इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कॉमिक्स में शिरुता कैपिटल थी कैंडाक की, जिस सिटी का नाम ब्लैक एडम की वाइफ के नाम पे रखा गया था, जो कि लेके आता है हमें इस वैन में बैठी कैरेक्टर एड्रियाना थॉमस पे। अब मूवी में एड्रियाना एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और रेजिस्टेंस फाइटर है। कॉमिक्स में एड्रियाना एक स्कूल में साइंस टीचर थी, जिसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट से इजिप्शियन एमुलेट मिला जो था गॉडेस इसिस का। यानी कि एड्रियाना इस एमुलेट की वजह से गॉडेस इसिस की पावर्स यूज कर सकती है, जो है सुपर स्पीड, फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ यानी कि सुपरमैन और वंडर वुमन के सिमिलर, लेकिन साथ ही वो टेलीकिनेसिस भी यूज कर सकती है। अब ट्रेलर में यही कैरेक्टर एड्रियाना हमें ब्लैक एडम के पास्ट वाले सीन्स में भी दिखती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एड्रियाना के कैरेक्टर को भी रीइनकार्नेटेड दिखाया जाए। अब ट्रेलर से इतना तो क्लियर है कि ब्लैक एडम को रोकने के लिए जेएसए की टीम अपनी फुल पावर्स यूज करते हुए दिखेगी, लेकिन जितनी पावर ब्लैक एडम के पास है शायद वही है जो खुद को रोक सकता है और इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की जगह इसका सेवियर बन सकता है। ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो रही है अक्टूबर 21st को, और मोस्ट प्रॉब्ली शायद ड्वेन जॉनसन ही है जो DCU के फ्यूचर को बचा सकता है। आपके क्या थॉट्स है इस ट्रेलर के बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। Thank you for watching this video. मिलते हैं next video में।